और गाइस ये है हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग को सिटी से। तो ऐसे कुछ दिन हो रहे हैं, अभी हम लोग आए हैं एक शॉप में। तो हम लोग आए हैं इंडियन फर्स्ट फैमिली मार्ट मार्केट, रायगढ़ में है। तो यहाँ पे गणेशी अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ ले रही है। तो आज हम लोग जा रहे हैं गणेशी के मायके और आप लोग को दिखाएंगे, गणेशी का मतलब पूरे परिवार को दिखाएंगे। पसंद आया छुट्टी के लिए? हाँ ठीक है ओके। और गणेशी हमारे साथ है, मैं आज चलती हूँ आपके साथ मेरे भाई के, आपको लेके चलती हूँ अपने साथ। तो हम लोग ना वो मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, हम लोग ये कौन सा रास्ता है गणेशी? उर्दना वाला रास्ता में जा रहे हैं, उसमें इतना भयानक रास्ता खराब है ना, और इतना डस्ट, बाप रे। मैं तो 1 किलोमीटर बाइक चलाया उतना में पूरा डस्ट से मतलब कि वो हो गया था। तो अभी इसमें मस्त साफ जगह है और मस्त शांत जगह है, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे ये है उर्दना, ये उर्दना, यहाँ पे डैम है। तो यहाँ पे केलो डैम है, तो कभी उसको और देखेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तरई माल में और यहाँ से कुछ नाश्ता वास्ता ले रहे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये वाला जो आए, ये वाला जंगल रास्ता में है और यहाँ से स्टार्ट होता है तरई माल। अभी यहाँ गणेशी कुछ कुछ खरीद रही है तो यहाँ जाएंगे। यहाँ से थोड़ा दूर में है हम गणेशी का घर। इतना एक्साइटेड हो रही है क्या? ये है तरई माल। दोस्त बोलने से कैसे हंसते हैं ना, कैसे दोस्त? ए दोस्त अनुज, पूरा नाम बताओ। अनुज, अनुज पूरा नाम? भगत, भगत। अनुज भगत, आपका नाम क्या है? निखिल। निखिल, वेरी नाइस नेम। निखिल भगत, अनुज लिखा में। हम पहुंच चुके हैं अपने घर। घर क्या ही दिखाएं, बहुत कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो खास लोग हैं उनसे मैं मिलाती हूँ। ये है मोटी, महिमा है इसका नाम, महिमा लकड़ा। क्या है वैसे बना? कौन है तू? बोल। बुआ की बेटी है। हाय बोल दे। हाय बोलते ऐसे ऐसे। भतीजी है, ऐसे हाय बोलो। छोटे भैया की बड़ी बेटी है और वो ला उसको भी ला। और ये है गाइस छोटी वाली। नहीं पहचानती तेरे को? ये मेरे को पहचानती नहीं, क्योंकि ये जो जिस टाइम पैदा हुई थी ना उसके 1 महीने बाद में मेरी शादी हो गई और फिर मैं चली गई। 1 महीना बाद? हाँ 1 महीना बाद। ओके जाओ जाओ। और गाइस ये है मेरी भाभी, छोटी भाभी। हेलो बोलो भाभी। ये है मेरी छोटी भाभी। छोटे भैया अभी कुछ लेने गए हमारे लिए। है इसका नाम है गाइस सारा, मैं रखी इसका नाम सारा, और इसका नाम है महिमा, इसका नाम मैंने रखी, मेरे बड़े भैया रखे। एक भैया है मेरे अजय भैया, उनके उनका बेटा है, इकलौता बेटा। फिर और हुआ ना इसका भाई। हेलो दोस्त। हेलो दोस्त बोलते हैं, कितना अच्छा हंसता है यार सही। और ये है निहुल, निखिल, निखिल भगत, मतलब छोटा भाई वहाँ पे। तो ये सब मेरे भतीजे ही लगते हैं। तो गाइस अभी हम मिलने जा रहे हैं अपनी बड़ी मम्मी से, मेरी बड़ी मम्मी, और इनने कहा था कि जब लास्ट टाइम आओगे तो हमारे यहाँ पे रुकना। भैया हुआ है मेरे साथ कि मेरा मोबाइल ना पूरा काम करना ही बंद हो गया था। हम लोग नानी के घर गए थे ना, बड़ी मम्मी के घर, और मोबाइल पूरा इतना हैंग हो गया था ना, मतलब तो कुछ बटन काम नहीं कर रहा था। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं उसके बाद सबसे मिलाते हैं, यहाँ का जगह दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, पूरा टूर कराते हैं। और देखो वहाँ पे कैसे खड़ी है महिमा। इधर है महिमा, महिमा नाम है ना? लिखी। कितना पढ़ती हो? कितना पढ़ रही हो? पहली? गाइस ये लिख के दिखा रही मेरे को 1 to 10। और नहीं आता 11-12 आता है, इसको लिखना तो पूरा। चलो खाना खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से, दिखाएंगे। और यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है तरई माल, तरई माल किस लिए बोलते हैं दिखाएंगे, तरई माल।
माल मतलब वहाँ पे तालाब से माला माल तालाब को छोटे दिखाते हैं। गाइस मैं अभी जिस स्थान में खड़ा हूँ यहीं पे मेरा शादी हुआ 24 मार्च को, और ये जो पीछे साइड बैक साइड देख रहे हैं यहीं पे टेंट लगा था। और उस दिन का मतलब क्या ही बोलूँ यार, उस दिन मैं ना पूरा नर्वस था, पता है पूरा नर्वस था, और ये महारानी तो मस्त खुश थी। बट मेरे को इतना ज़्यादा भीड़ के सामने ना, मेरे को स्टार्टिंग में मैं लाइफ में हमेशा सोचता था शादी में कैसे रिएक्ट करूँगा, बट उस दिन ना बहुत ज़्यादा नर्वस था, मतलब कि चेहरा में ना कोई खुशी नहीं था कोई खुशी नहीं था। उसके बाद जो हमारे घर गए उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा, मतलब कि कॉन्फिडेंस आया हाँ कि हम मस्त, मतलब कि हम चेहरे में मुस्कान ला सकते हैं। शादी का फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे को मतलब हमेशा खोलता था मन में कैसा होगा कैसा होगा, तब पता चला कि चेहरा में ऐसा होता है। तो चलो चलते हैं अभी कहीं और घुमाने लेके जा रही है, मतलब कि इसके मायके आता हूँ ना तो हमेशा मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मतलब घुमाते ही रहते हैं। हमारा फैमिली ना गाइस मतलब बहुत बड़ा है। हाँ जैसे मेरे बड़े पापा फिर बड़े पापा फिर चलो घूमते हैं, चलो चलते हैं। गाइस मीट माय फ्रेंड, ये है उमा भगत। क्या है जगह है ना, ये जगह इसको ये छाप लिख के अच्छा बनाई है, और ये जगह हमारा अड्डा है। गाइज यहाँ जब मैं आई मेरे को ऐसा लगा कि किसी को नहीं पता होगा कि हम व्लॉग बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को एकदम मेरे को सरप्राइज मिल रहा है कि इन लोगों को सबको पता है और ये लोग रेगुलर देखते भी है। दिखाओ दिखाओ क्या दिखाओ देखते हो मतलब मैं कोई बोल रहा था ना कि तो ही बोल रही थी ना कि मेरे तरह ही माल बेच दूंगी तो इतना व्यूज इतना सब्सक्राइबर आ जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रही थी। तो आज मैं मिलूंगी ना जब सबसे सबको सब्सक्राइब करवाऊंगी। हेलो अच्छे कैसी बहन, बहुत बहुत अच्छी शादी में देखा था तो थोड़ी पतली थी ना, पतली इतनी बड़ी थी, इतनी थी पता नहीं, मतलब ड्रेस अनुसार भी ना ड्रेस भी अलग अलग पहनते हैं, तो उसमें तू इसमें मोटी लग रही है, सूट पहने की तो नहीं लगी ऐसी मोटी लग रही हूँ ना पहले से, मोटी हुई हूँ थोड़ी इतनी नहीं हुई जिसमें, कपड़ा भी छोटा। ये दोनों मेरे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स मतलब मेरे गांव के बचपन से हम अपन साथ रहे हैं, पले बड़े साथ में लेकिन पढ़ते साथ में नहीं थे, मैं सीनियर थी इनकी फिर ये फिर वो छोटी। तो बताओ अपना नाम। मेरा नाम सेत कुमारी है, इसको प्यार से हम नीनी चीनी पिनी जो भी बोल रहे हैं, और इसका नाम उमा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी तालाब तरई माल का, तरई शेयर कराएंगे आप। हाँ तो हम चल रहे हैं अभी तालाब के रास्ते पे, और हमारे गांव का नाम तराई माल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तराई थे, तराई मतलब गाइस तालाब तालाब। तो हम लोग का तालाब ना गाइस बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी नहीं पता कैसा है पर बहुत सुंदर है, मुझे अच्छा लगता है। बहुत तारीफ कर रही थी ना। अब तो वो दूसरा वाला तालाब भी बनने लगा है। रियली दो तालाब है यहाँ, कहाँ कहाँ है, पास ही में एक तालाब तो देखा हूँ मैं यहाँ का, ऐसे अगल बगल में। चलो दिखा दो, यहाँ आम का पेड़ था, यहाँ का पेड़ था, अपन बहुत चोरी करते थे। चोरी अमरूद का पेड़ तो बहुत मीठा था, रेड वाला था ना, लाल वाला अमरूद था, यहाँ पे आम पेड़ था, यहाँ एकदम टेस्टी वाला, ये इस साइड का शहर, यहाँ तो कुछ पूरा खंडर दिख रहा है, वो तो आम का पेड़ वो थे। अच्छा हाँ, पर्सनल था क्या सरकारी? हाँ ये घेरा लगाया हुआ है, उन लोग का पर्सनल है, लेकिन अपन चुराने जाते थे। यहाँ है तालाब, अंदर तो हो सके तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा नहा रहे हैं। तो ये रहा तालाब मतलब तराई, जिसको तराई बोलते हैं, मतलब तराई माल के लोग, तराई माल के लोग तराई बोलते हैं। और जब यहाँ के लोग बाहर जाते हैं शादियों के तो हमारा पहचान होता तराई तराई से। गांव से हमेशा कोई नहीं बोलते हैं कि जैसे कोई शादी करके किसी और गांव में जाते हैं तो उस गांव के नाम से लोग पुकारते हैं ना उसको, तो गणेशी को भी बोलते हैं हमारे गाँव में तराई।
तो ये है तराई तालाब, बहुत ज्यादा गिर रहा है। अपन ने इस तालाब पे यहाँ से स्टार्ट करते हुए वहाँ तक जाते थे, रेस होता था हम लोग का, जो जीतता था उसको कुछ नहीं मिलता था, मतलब क्या हम बस होता था रेस पर प्राइज नहीं रहता था। हाँ तो हम लोग अभी आए हैं दूसरा तालाब, दो तालाब हैं यहाँ बगल बगल में, दूसरा तालाब मतलब ये बन रहा है ये वाला तालाब, ये रहा। और ये जो तराई माल में ना बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, तो ये गांव के लोग को तो भी बल्ले बल्ले हैं क्योंकि हमेशा जॉब मिल जाता है यहाँ इजीली। नालवा जो एक कंपनी है ना वो पूरी जगह को खरीद ली है और यहाँ पे प्लांट बनाने वाला है। ये सब जगह को यहाँ पास पास नहीं, मतलब वो बोल दिया कि गांव के थोड़ा आउटर साइड पे एकदम पास में अपन लोग को हानि हो वैसे जगह वैसे में नहीं बनाएगा। नालवा कंपनी है वो ले लिया पूरा, मतलब अपन का ना पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का आधा जगह नालवा का है, नालवा मतलब जिंदल का है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस हमारे बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या करते थे वहाँ क्या करते थे, और इस तालाब में इतना ज्यादा सांप है ना कि अगर पैर रख दो तो वैसे पैर में लिपट जाए। सही में सांप है? क्या मजाक कर रहे हो यार, अपन तो डर के मारे नहीं ना। चलना पैर रख के देखते हैं। नहीं नहीं निकल जाता है सही, चलना देखेंगे पैर रख के देखेंगे। अभी नहीं होगा, शांत है ना ऐसे, नहीं तो ऊपर भी हल्ला करेंगे। शाम को पूरा ऐसे सांप तैरते हुए दिखता था, हल्ला करेंगे हल्ला में। तो ये तालाब में बहुत ज्यादा सांप है बोल रहे हैं, सच में है कि नहीं? मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है भाई इतना तालाब में कोई, तो यहाँ देखो नहाए हैं तो कैसे उसमें, ये देखो नहाए हैं यहाँ ना ऐसे, ये पचरी है ना ये उसके अंदर ऐसे घुसा रहता है, इसलिए मेरे को बहुत डर लगता था मैं नहाने में। जहरीला सांप है क्या? जहरीला नहीं है पर सांप से कौन नहीं डरता भाई। सही है, छोटे मोटे सांप तो डेंजर है ये वाला तालाब भाई साहब। इसको क्या क्या तालाब बोलना चाहिए बताऊं? सांप तालाब बोलना चाहिए इसको तो, मटिया मतलब नहीं वैसे ही कुछ मटिया है, लेडी है। हां उनको बोलते हैं ना, वो ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है, यहां पे रहती है। हां यही गांव में। भूत प्रेत है क्या? नहीं लेडी है बोल रही ना ऐसे क्या। तो यहां है मंदिर, गांव का मंदिर, हर गांव में रहता है ना मंदिर, वैसे ही मंदिर है यहां। और ये जो बोर दिख रहा है यहीं से जाता है पानी तालाब में। अभी घर जा रहे हैं, अभी अच्छा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा यहाँ का तराई माल का टूर। हम लोग जा रहे हैं घर और मस्त घूमे यहाँ, दिखाए तनिषी लोग दो तालाब, और एक तालाब में तो बहुत ज़्यादा सांप था और एक तालाब में बहुत ज़्यादा देखा ना मैं, आप लोग दिखाए ना मेरे को सांप देखे क्या? तो चलो चलते हैं अभी, वैसे भी शाम होने वाला है, 5 बजने वाला है, मज़ा आया घूमने में। ये जो गाँव है ना पूरा प्लांट क्षेत्र है, तो वो अभी वापस फिर जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे हम लोग फोटो खींचा है वहाँ पे गणेश जी का, इसका आपको बोल गए, वाह भाई वाह क्या बुलक्कड़ हुए। तो यहाँ पे हम लोग फोटो शूट किए थे और ये रहा गणेश जी का इसका। ज़्यादा बुलक्कड़ तो मैं हूँ गाइस, क्योंकि एक बार गणेश जी का, एक बार हम लोग रायपुर में उसका घड़ी फास्ट ट्रैक को भी ब्रांड वाला भूल गया, बहुत ज़्यादा सुना रही थी भाई साहब। चलो चलते हैं, अभी ले लिया मैं उसको इसका आपको। तो हम लोग आए हैं अभी मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ, भैया के यहाँ। उस टाइम हम लोग जिस टाइम हम मतलब कि बड़ी मम्मी को दिखाने वाले थे, उस टाइम ना हमारे मोबाइल पूरा हैंग मार दिया था, तो हैंग हो गया था इसी कारण नहीं दिखा पाया। तो अभी हम दिखाएंगे आप लोग को, आज बड़ी मम्मी हमारे लिए डिनर रखी है तो हम लोग यहाँ पे आज खाने वाले है, फिर दिखाते हैं अभी आपको, मिलाते हैं बड़ी मम्मी से और हमारे भैया से। तो गाइस ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये बड़ी मम्मी है, हेलो हेलो। मम्मी से भी हम लोग ऐसे हेलो हेलो करवाते हैं, सबसे हेलो हेलो करवाते हैं, सब्सक्राइब करो भी बोलते हैं हम लोग, बोलते तो सब्सक्राइब करो जाने दो ठीक है नहीं जाने। तो गाइस मम्मी सुबह से ही ऐसा बोल दी थी हम लोग को, सुबह से मतलब पिछली बार भी हम लोग आए थे तो बोली थी कि इस बार हमारे यहाँ जब आओगे तो हमारे यहाँ डिनर रहेगा, हमारे यहाँ रुकना, तो हम लोग आज ही यहाँ डिनर करेंगे और मम्मी हमारे लिए बनाएंगे, क्या बनाया सर? दिखाएंगे अभी कुछ टाइम में। चिकन अंग सब्जी आलू और बटर सोयाबीन,
अब गया गाइस, ये है मेरे भैया, मिलिए इनसे। इनका नाम है, क्या नाम है बताओ? मेरा नाम देवदास लकड़ा है, गणेशी लकड़ा का भैया। यस, तो चल अभी हम मिलके खाना खाने वाले हैं। हाँ चलो फिर खाना खाते हैं अभी। तो चलो मैं तो सोने वाला हूँ, और आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।